यार ये सुहागरात न हो गई, पता नहीं क्या हो गया। सब ऐसे टीज कर रहे हैं जैसे मुझे सेक्स का एस भी ना पता हो। ये सुहागरात के नाम पे मुझे अलग रूम सजा के क्यों दिया, जब सबको भीड़ ही लगानी है तो। अरे नहीं नहीं, आ जाओ सारे यहीं पर सो जाओ ना गद्दे बिछा कर। ये सुहागरात के दिन कोई रस्म होती है क्या, बाकी लोगों का रूम में आकर टाइम वेस्ट करना, मुफ्त का ज्ञान देना। यार ये बंदा बड़ा बेशरम है, मुझे अपने घर वालों के साथ छोड़ के खुद पता नहीं कहाँ घूम रहा है। वैसे इसकी फैमिली भी काफी सही है, पर कहीं ये स्पेशल ट्रीटमेंट बस आज के लिए तो नहीं है ना। छोड़ यार, अब तो क्या ही सोचना, अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे ये सेक्स में तो अच्छे होंगे ना, बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, कहीं 27 सेकंड वाला सीन ना हो कुछ, वरना फिर डिसअपॉइंटमेंट ही होगी बस। हे भगवान, मुझे बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं चाहिए अपने स्क्रैच कूपन में। वैसे जैसे साहब की इनकी शक्ल है, खैर शक्ल की तो रहने ही दो, अरेंज मैरिज में क्या ही मिल जाता है। और सेक्स करते टाइम हमारी आवाज दूसरे रूम तक तो नहीं जाएगी, कहीं कोई 50 शेड्स वाली फैंटेसी हुई तो। ओ गॉड, मैं मारवार नहीं खा रही कोई, ये सब क्या सोच रही हूँ मैं। म्यूचुअल कंसेंट से होगा जो भी होगा। वैसे आज तो मम्मी पापा को भी पता होगा ना कि क्या होने वाला है, आज बड़े लिबरल बन रहे हैं ये। पहले तो इनको मेरे क्रॉप टॉप पहनने से भी दिक्कत थी। इज ही एक्सपेक्टिंग मी टू बी अ वर्जिन? कोई नहीं, कह दूंगी, योगा साइकिलिंग जिमनास्टिक सब करती थी मैं। वैसे ऐसा ना हो कि आते ही सेक्स में लग जाए, स्लो प्रोसेस में चीजें जाएंगी, मोमेंट बनेगा तो ज्यादा सही है। यार ये अरेंज मैरिज वाला सेक्स कहीं अरेंज मैरिज जैसे बोरिंग ना हो। ये दूध पिलाने की कौन सी रस्म है, दूध पीने के बाद सीधा ब्रश करने भेज दूंगी मैं तो। यार ये हैवी सा लहंगा पहन के बैठी रहूं क्या रात भर, लग रहा है 100 किलो का सामान रखा हुआ है खुद के ऊपर। पहले ये अरेंज मैरिज का बोझ, ऊपर से इस लहंगे का बोझ। वैसे बाद में बदल तो नहीं जाएंगे ना, इज ही दैट फकबॉय टाइप। यार ये सब क्या सोच रही हूँ मैं। वैसे कमांड अगर मेरे हाथ में दिया तो मैं तो फिर आज पूरा रेस्ट लूंगी, काफी टायर्ड था आज का दिन वैसे भी। ये अरेंज मैरिज का तामझाम बहुत स्ट्रेसफुल होता है भाई। यार कसम से बता रही हूँ, ये 10-15 मिनट के अंदर नहीं आए ना, ये सब तामझाम उतार के ना फेंक दूंगी मैं, रूम लॉक अलग कर लूंगी, सोता रहे फिर भारी अकेला। ये लो, हो गई अरेंज मैरिज की शुरुआत। हे गाइस, सुहागरात के नाम से ही धड़कनें तेज होने लगती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर अरेंज मैरिज वाली सुहागरात हो तो फिर तो सीन ही अलग होता है। और अगर आपके मन में भी ऐसे थॉट्स आते हैं सुहागरात के टाइम और कुछ ऐसी एक्सपीरियंस रहती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू देसी चलचित्र अनऑफिशियल को। सुहागरात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं।